जय श्री श्याम बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट शीट बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और एक आठ नंबर तक का क्वेश्चन इसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है देखिए अभी आपने जो मेरे साथ पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं उसके अंदर भी आपने कॉस्ट शीट बनाई है कॉस्ट शीट बेसिकली क्या है कि अगर आप कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर सारी कॉस्टिंग्स लिख रहे हैं तो वो सारी की वो जो स्टेटमेंट है दैट इज बेसिकली नोन एज कॉस्ट शीट लेकिन उसका भी एक पूरा का पूरा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है और वो फॉर्मल स्ट्रक्चर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए क्वेश्चीट होता क्या है इट्स अ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट अब देखिए इसके मेन चार एस्पेक्ट्स हैं द वेरी फर्स्ट इज द प्राइम कॉस्ट सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थर्ड इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड फोर्थ इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स अब ये चारों चीजें क्या हैं और इसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या है मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करता हूँ सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट देखिए ये वर्ड पहले भी हमारा आ चुका है प्राइम कॉस्ट होता क्या है इट्स अ सम ऑफ थ्री आइटम्स दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड प्लीज अंडरलाइन करिए कंज्यूम्ड उसके बाद जितनी आपने डायरेक्ट वेजेस पे करी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन तीनों का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लिखा हुआ है नॉट परचेस्ड तो कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा दिस इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस जितना आपने रॉ मटेरियल साल भर में परचेस किया माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कम्स डाउन टू बी डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड समझ में आईगा डायरेक्ट वेजेस जो हम डायरेक्ट लेबर को पे करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं लाइक like छोटा सा एग्जाम्पल दू जैसे मेरी बुक्स आती है मार्केट के अंदर तो उससे के लिए मुझे पब्लिकेशन हाउस से रॉयलिटी मिलती है ठीक है तो देखिए अब पब्लिकेशन हाउस जो है जो मुझे रॉयलिटी पे कर रहा है उसको बुक के अंदर पेपर लगाना है जो प्रिंटिंग में लेबर लगी है वो तो है ही प्लस उसके लिए जो मुझे रॉयल्टी पेमेंट उसने मुझे करनी है वो एक तरह से डायरेक्ट एक्सपेंस है समझ में आई बात तो प्राइम कॉस्ट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस समझ में आ गया, तो गया। श्योर फटाफट -फड़ पहले आप ये दो चीजें नोट डाउन करिए फास्ट चलिए डायरेक्ट वेजेस अभी हमने देखा अमाउंट पेड टू लेबर इनकेज इन प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विस प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड करने में ठीक है तो कोई भी लेबर जो डायरेक्टली इंगेज है प्रोडक्शन में या सर्विस प्रोवाइड करने में दैट विल बी अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए वेजेस सैलरीज अलाउंसेज ओवर टाइम इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ये हमने लेबर में पड़ा हुआ है वही सारी चीजें यहाँ पे इसको हम इम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं या लेबर कॉस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं ठीक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है अभी मैंने आपको बताया था एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस इसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्शन नाउ आपके सामने इश्यू आता है कि ये सब डायरेक्टली लिंक्ड का मतलब क्या है देखिए उसका मतलब यह है इट मींस सेपरेट कॉस्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड लाइक मैंने अभी आपको बताया बुक के एग्जांपल में कि जो मेरा पब्लिशर है मुझे रॉयल्टी पे करते हैं तो उनकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है डायरेक्टली लेबर की कॉस्ट है और रॉयल्टी की जो वो मुझे पे करते हैं दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट जो कि एक सेपरेटली आइडेंटिफाई की जा रही है इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में ठीक है तो डायरेक्ट कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस के अलावा है और डायरेक्टली लिंक है डायरेक्टली लिंक का मतलब क्या है इट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड

जिसके लिए मुझे मार्केट से कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कोई किराए पे लेना पड़ेगा या स्पेसिफिक इक्विपमेंट कोई किराए पे लेना पड़ेगा उस काम को पूरा करने के लिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक इक्विपमेंट रेंट पे लेना पड़ रहा है या उसके चार्जेस पे करने पड़ने तो वो उस जॉब से रिलेटेड स्पेसिफिक कॉस्ट है और वो उस जॉब के लिए क्या बन जाएगा मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस ठीक है तो ये था आपका कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट कंसर्न है दैट इज द प्राइम कॉस्ट वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है प्राइम कॉस्ट में क्या क्या लेना है फिर से डायरेक्ट मेटेरियल डायरेक्ट वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट मेटीरियल में क्या ध्यान रखना है कि इसमें कंज्यूम्ड आएगा दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या आता है आपको पता ही है डायरेक्ट एक्सपेंस

जिसको हम वर्किंग ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी बोल सकते हैं किसी भी नाम से आ सकता है फैक्ट्री के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो कि आपने ओवरहेड चैप्टर के अंदर ऑलरेडी मेरे साथ पढ़ ली है वो सारा का सारा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है जिसके मैंने कुछ एग्जांपल यहां पे आपको दे दिए कंज्यूमेबल स्टोर्स एंड स्पेयरस डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस या कॉस्ट ऑफ प्लांट मशीनरी और फैक्ट्री बिल्डिंग ठीक है ये अच्छा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट सही लिखा होगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इन फैक्ट्री बिल्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इंश्योरेंस कॉस्ट सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट प्रोवाइडिंग इन सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स याद है आपको कि तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं फिर उनको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तीन सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं तो फिर हम इसको एलोकेट करते थे याद आ रहा है तो वही ये बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लाइक अब ये सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हो सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल टूल रूम एट्सेट्रा ठीक है अमोटाइज कॉस्ट ऑफ जिक्स फिक्सचर्स देखिए यहाँ मैंने समझाने के लिए जिक्स और फिक्सचर्स इस तरीके होते हैं तो इसकी जो भी अमोटाइज कॉस्ट है आप इसे यूज़ कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो जितनी इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है वो हम यहाँ लिखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके क्वेश्चन में दिए होते हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं और ये सारी चीज़ें हम ओवर चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है तो प्राइम कॉस्ट के अंदर जब हम फैक्ट्री ओवरहेड जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोल सकते हैं वर्क ओवरहेड भी बोल सकते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं वो ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट ठीक है अब इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो हमारे पास आ जाती है वर्क कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट या जिसको कई बार नेट वर्क कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल दिया जाता है अब ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता क्या है छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ सपोज uh, आपने कोई भी प्रोडक्ट है प्रोडक्ट एक्स ठीक है उसकी प्रोडक्शन आपने स्टार्ट करी से ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मार्च को ठीक है और वो प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हुई से थर्टी फर्स्ट सॉरी सेकेंड ऑफ अप्रैल को ठीक है तो 29 मार्च को आपने स्टार्ट करी और उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट होती है बेटा जाके 2 अप्रैल को तो 31 मार्च को वो प्रोडक्ट जो है अभी इनकम्प्लीट है अभी वो प्रोडक्ट नहीं हुआ हो सकता है उसमें कुछ मटेरियल लग गया हो कुछ लेबर ने काम कर दिया हो और कुछ बाकी हो ठीक है तो वो जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है वर्क इन प्रोग्रेस ठीक है बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर इसका भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो जो भी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस था वो ऐड हो जाता है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस हो जाता है ताकि हमारा क्या आ जाए वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ये होगा ही होगा अगर है इन्फॉर्मेशन तो आपको प्लस माइनस करना नहीं है तो जस्ट इग्नोर इट ग्लॉस वर्क कॉस्ट और नेटवर्क कॉस्ट आपकी सेम होगी ठीक है हो भी सकता है और नहीं भी फिफ्टी फिफ्टी चांसेस होते हैं अब इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट अब क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट क्या है नाम से ही पता लग रहा है कॉस्ट इंकर्ड इन क्वालिटी चेक ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट होता है आपने देखा होगा जब आप प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो उस पर एक भी लगा होता है कई बार क्वालिटी चेक का तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लाइक एग्जाम्पल आपको दे सकता है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट एक्सपेंसिस तो वो किसका एग्जाम्पल है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का ठीक है तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे फिर एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन अब एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन क्या हो सकती है जो प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं उनकी सैलरी जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी सैलरी जो कि लगे हुए हैं तो दीज ऑल आर द एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन ठीक है इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट प्रोडक्ट को नया बनाने के लिए इनोवेटिव करने के लिए जो कॉस्ट है कॉस्ट इनकर्ड इन इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसको हम क्या बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे पैकिंग कॉस्ट जो भी है इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग रिक्वायर्ड टू होल्ड

कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उतना कम कर देगा भाई स्क्रैप आपने बेचा जो भी कूड़ा इकट्ठा हो गया था या कोई चीज खराब हो गई थी वो आपने बेची तो उससे जो भी पैसा मिला उतनी आपकी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं क्या हो जाती है कम हो जाती है इसलिए इसे माइनस करेंगे तो ये जो आपके पास फिगर आती है दिस इज वॉट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया तो बेसिकली थोड़ा सा देखिए याद करने वाला एस्पेक्ट है और मैंने बहुत कोशिश करी है जितना सिंपलीफाई कर सकूँ और जितने अच्छे नोट्स बना के दे सकूँ आपको दूँ ठीक है आप एक बार हाथ से लिखेंगे तो 80% कंटेंट याद हो जाएगा और दूसरा अगर आप एक दो दिन में रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरी क्वेश्चन तैयार हो जाएगी तो प्राइम कॉस्ट हमें निकालना सीख लिया था क्या क्या था डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेब वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसमें सारे लेबर के एक्सपेंसेस इसमें रॉयल्टी वगैरह फिर इसमें हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं जिसमें फैक्ट्री के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस आएंगे छह सात एग्जाम्पल जनरली जो एग्जाम में दिए जाते हैं ओपनिंग एड करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो अदरवाइज नहीं ये हमारी क्या आ गई फैक्ट्री कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर हमें क्या क्या एड करना है क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट और माइनस करना है क्रेडिट फॉर रिकवरीज तो क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरली मैं इसके लिए बच्चों को बोलता हूं कि वो याद ही कर लें पी ए आर क्यू पार्क अलग स्पेलिंग है थोड़ी सी दिस स्टैंड फॉर

तो ये एस्पेक्ट भी हमारा अब पूरा होता है चलिए आपने प्राइमरी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख ले कैसे आएगा नेक्स्ट चीज है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड फॉर टेन थाउजेंड यूनिट्स तो एक हजार यूनिट्स जो है उसकी वैल्यू कितनी बनती है दस हजार रूपए वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो जो आपने करंट ईयर में प्रोडक्शन करी है उसी में से बचा होगा समझ में ही बात तो ये था आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ट तो तीन चीजें हो चुकी है प्राइमरी कॉस्ट हो चुका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ट अब इससे हमें आना है कॉस्ट ऑफ सेल पे देखिये

अकाउंटेंट की सैलरी डायरेक्टर्स की रेंट इंश्योरेंस लाइटिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एटसेट्रा सेलिंग ओवर में क्या आएगा कॉस्ट रिलेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर्स इन्को ऑन प्रोडक्ट मार्केटिंग लाइक कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है स्टाफ सैलरी अदर एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट तो सारे सेल्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस आएंगे सेलिंग ओवर में ठीक है फिर पैकिंग कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं जो अदर देन प्राइमरी पैकिंग है लाइक पैकिंग फॉर हैंडलिंग द प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट वो जो है यहाँ पर आएगी ये आपको ध्यान रखना है प्राइमरी पैकिंग है तो किसका पार्ट था वो पार्ट था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का लेकिन अगर प्राइमरी के अलावा कोई और पैकिंग है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल ठीक है फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो भी आपकी आती है एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट जो भी ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड कॉस्ट एट कस्टमर्स प्लेस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ठीक है तो बहुत ही नामों से सारी चीजें क्लियर है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको कन्फ्यूज करे तो यह आ गया कॉस्ट ऑफ सेल तो मैंने आपको जो चार कंसर्न बताए थे मेन सबसे पहले स्टार्टिंग में प्राइमरी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल वो सब क्लियर है प्राइमरी कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसमें क्या आएगा वो हमने देख ही लिया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगी प्राइमरी कॉस्ट निकल गई उसमें फैक्ट्री ओवर हैड एड करने हैं ग्रॉस वर्क कॉस्ट ओपनिंग डब्लू आईपी प्लस माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आईपी इसमें क्वालिटी रिसर्च कॉस्ट एडमिन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पैकिंग कॉस्ट जो प्राइमरी है क्रेडिट फॉर रिकवरीज माइनस होगा उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिन माई प्लस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा जिसमें आप ऐड करोगे एडमिन ओवर एट सेलिंग ओवर एट पैकिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल आएगा ठीक है अब ये देखिए ये फाइनल आपके सामने पूरी की पूरी एक कॉस्ट शीट देखिए डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकला था ओपनिंग स्टॉक प्लस एडिशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ठीक है इम्प्लॉय कॉस्ट ये प्राइमरी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड ग्रॉस ओपनिंग क्लोजिंग माइनस फैक्ट्री कॉस्ट क्वालिटी कंट्रोल रिसर्च एडमिन लेस क्रेडिट फॉर रिकवरी पैकिंग कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओपनिंग स्टॉक माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडमिन मार्केटिंग ओवरहेड में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और इसे हमने अच्छा लिखा था ये कॉस्ट ऑफ सेल तो ये है आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट फटाफट सारा का सारा एक बार नोट डाउन कर लीजिए कोई भी चीज छोड़नी नहीं है कि ये तो हो जाएगा अपने आप कॉस्ट ऑफ सेल पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिर कॉस्ट ऑफ सेल फिर ये सारी चीजें एक एक चीज थ्योरी पॉइंट से रेलिवेंट है और लास्ट में मैं बता रहा हूँ आपका मन करेगा छोड़ना यार हो गया लेकिन जिसने छोड़ना हो यार हो गया कर दिया ना उसका क्वास्ट शीट का क्वेश्चन कभी ठीक नहीं होगा देख लेना आई से की कसम है। आपको ये पूरी के पूरा फॉर्मेट पूरा यहाँ तक उतारने के बाद दोबारा से कॉपी करना है फाइनल फॉर्मेट ऑफ क्वास्ट शीट क्योंकि एग्जाम टाइम पे सिर्फ आप इसी को ही रिवाइज करेंगे ठीक है आपको उससे पहले की कोई चीज नहीं पढ़नी एग्जाम टाइम पे सिर्फ आपको ये फॉर्मेट देखना है समझ में तो इसी के साथ कॉस्टशीट के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे पूरे होते हैं कुछ एक क्वेश्चन करते हैं और इससे हमारा कॉस्ट शीट पूरा हो जाएगा चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑप्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड जून एक टू तीस जून कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड ओपनिंग क्लोजिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वेजेस पेड ये डायरेक्ट वेजेस हो गया यहाँ रॉ मेटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग परचेजेस है तो इससे डायरेक्ट मेटेरियल कंज्यूम आ जाएगा वेजेस पेड ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ गया फैक्ट्री ओवर है ठीक है अगर ये गिवन ना हो तो आप मानते हैं जनरल कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बट अगर लिखा हुआ है तो फिर आप वही लेंगे जो लिखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स स्टेटमेंट आपको बनानी है जिसमें ये सारी चीजें आपकी शो हो रही है ठीक तो है शीट बनाते हैं देखिए कॉस्ट ऑफ रेटेरियल साठ हजार ओपनिंग है उसमें परचेज ये वर्क कॉस्ट आ गया फिर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्लोजिंग डब्लू आई पी की वैल्यू गिवन है ट्वेल्ल और फिफ्टीन देखिए हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए जस्ट हमें फिर उसके बाद फिगर्स डालनी है कुछ भी नहीं है ठीक है ये फिर आप इसके अंदर एडमिन ओवरहेड जो रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे वो ऐड करेंगे फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड गिवन है हमें तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा ठीक है फिर इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे पास कितने हैं ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज ये सोनो तो वो ऐड होंगे ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ गई अब उसने हमें सेल्स बताई हुई है दस लाख रुपए की तो हमने वर्किंग नोट में निकाल लो बेशक नेट प्रॉफिट ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है दस लाख ,00 की सेल्स है तो आपके जो नेट प्रॉफिट है वो कितने आ गए वन वन एट तो इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन आप मान के चलिए आठ एक नंबर तक का आपको देखने को मिल सकता है और ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि इस पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके दिमाग में होना चाहिए आपको पता होनी चाहिए कहां पर कौन सी चीज किस तरीके से आएगी ठीक है तो अब इस क्वेश्चन को पहले आप अपने आप करिए और जहां आपको दिक्कत आए फिर सोल्यूशन से मैच करिएगा थैंक यू द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल दिस रॉ मेटेरियल डायरेक्ट वेजेस मशीन आर वर्कड मशीन आर रेट आप देख रहे हैं तो इस बार उसने आपको मशीन आर वर्क और मशीन आर रेट बता दिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे एडमिन ओवरहेड सेलिंग ओवर पर यूनिट देखिए सेलिंग ओवरहेड जो लगते हैं पर यूनिट आपको गिवन तो है बट ये मल्टीप्लाई होंगे नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से ठीक है क्योंकि सेलिंग से रिलेटेड है यूनिट प्रोड्यूस्ड 4000 सोल्ड 3600 तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा सेलिंग प्राइज़ वन ट्वेंटी फाइव यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट जिसमें कॉस्ट पर यूनिट हो और प्रॉफिट फॉर द मंथ हो तो देखिए सिंपल है डबल कॉलम बनानी है टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट पहले आप टोटल कॉस्ट देखिए रॉ मटेरियल वन एट्टी गेवन है डायरेक्ट वेजेस तो प्राइम कॉस्ट आ गया फैक्ट्री ओवराइड ऐड करेंगे एटी थाउजेंड तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया अब देखिए फोर हंड्रेड यूनिट्स जो हैं आपकी पहली चीज़ इसमें ओपनिंग है डब्लू आई पी क्लोजिंग डब्लू आई पी के बारे में कोई इनफॉर्मेशन नहीं है तो इग्नोर इट uh, इसके बाद आपको देखिए क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 400 ओपनिंग स्टॉक के बारे में कुछ नहीं गिवन तो उसे इग्नोर करिए क्लोजिंग स्टॉक 400 है और थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है और प्रोडक्शन हुई कितनी यूनिट्स की है फोर थाउजेंड यूनिट्स की तो अगर थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड यूनिट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है और फोर थाउजेंड यूनिट्स तो चार सौ यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी इट विल बी थर्टी फाइव थाउजेंड येस ऑनओ तो ये थर्टी फाइव थाउजेंड आ गया थ्री लैख फिफ्टीन थाउजेंड एडमिन ओवर हेड आपको थर्टी फाइव गिवन ही सेलिंग ओवर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से लगी 4000 से ही डिवाइड होंगे इसको आप सेल से लिंक नहीं कर सकते इसको आपको जितना प्रोडक्शन हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन तो सबके लिए होगा इसलिए 4000 से डिवाइड करेंगे इसको फिर सेलिंग ओवर हेड ये आपका टोटल आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं तो ये आपका शीट का एक और क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए और उसके बाद जहाँ आपको दिक्कत आती है फिर आप सोल्यूशन से क्रॉस चेक करिए